गुड मॉर्निंग। तो हम और आप फिर से एक जगह जमा हुए हैं ताकि अपने रेगुलर काम को ईमानदारी पूर्वक कर सके। मतलब हम उस लेक्चर जो पढ़े थे उस लेक्चर के आगे क्लास करना है। जैसे क्लास में बैठ करके करते थे वैसे ही आप लोग को लगना चाहिए, फील होना चाहिए हम लोग ऑनलाइन ये क्लास कर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर्स। और अब बताया कि उसका जो नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उससे पहले हम सबको बोले थे कि बॉइलिंग पॉइंट पढ़ करके आना है जो लेक्चर नंबर 13 में। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट आप लोग बताइए, पढ़े तो नहीं होंगे क्योंकि पता है आप लोग मेरा ही चेला है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करें कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम बताए थे कि टर्म ऑफ वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट, कि वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म इज कॉल्ड द बॉइल। लेकिन सवाल है कि कोई भी लिक्विड ना वेपर में कब बदलेगा, यानी लिक्विड को चेंज करना है हम लोग को गैसियस या वेपर फॉर्म में तो कब बदलेगा वेपर। तब हमने एग्जांपल समझाया था कि सपोज करिए एक प्योर लिक्विड हम लोग लेते हैं ए, मान लेते हैं कि ओपन कंटेनर है, अपने यहां पे क्या देखते हैं कि ये लिक्विड ए है जो प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी ले सकते हैं, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं सब ए का मॉलिक्यूल ए ए ए ए। अब सपोज करिए कितना मॉलिक्यूल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से सब मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, मान लेते हैं सरफेस पे जितना मॉलिक्यूल है सब कन्वर्ट हो गया वेपर, दे ऑल आर चेंजेड इनटू द वेपर फॉर्म। अब अगर ये सब मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया वेपर फॉर्म तो ये प्रेशर लगाता है, ए का जो वेपर होगा उसी वेपर को हम लोग बोलते थे पी नॉट, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सपोज हम इमेजिन करते हैं कि कितना प्रेशर लगा है, मान लो कितना, जैसे अगर इमेजिनेशन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का 5 एटीएम का प्रेशर लगा रहा है तो टोटल हम लोग के पास कितना मॉलिक्यूल है, 8 मॉलिक्यूल जो पेपर में आ गए, यानी 5 × 8 जो कितना लगा रहा है 40। अब अगर ये 40 मान लीजिए लगा रहा है बट इट इज नॉट मिक्स इन द एयर, ये जो पेपर बन गया लिक्विड का वो एयर में मिक्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका जो पेपर प्रेशर है तो 40 है। और इसके ऊपर भी एक बॉस बैठा हुआ है जो हम बताए थे कि उस बॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम एक कंसीडरेशन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना 100 है, एयर का प्रेशर जो है वो 100 है, तो हम क्या सिखाए थे कि ये जो वेपर ऑफ लिक्विड है कब जाकर के एयर में मिक्स हो जाए, जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाना चाहिए किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या सिखाया था कि हम लोग के बड़े बड़े भाई या बड़ा कोई भी कब तक डांटता है, जब तक कि हम लोग वेल सेटल्ड नहीं हो जाते। वैसे ये रिमेंबर रखना है कि दिस द वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड कब जाकर के मिक्स कर जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में, कब, जब वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बॉयल। अब ये 40 जो हम लोग देख रहे हैं ना वेपर प्रेशर, इसको बढ़ा करके लाना है 100, कैसे ला सकते हैं, क्या बताया कि नेचर ऑफ लिक्विड तो हम बदल नहीं सकते, हम लोग के पास एक ही हथियार है कौन, टेम्परेचर। सपोज करिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वी शुड स्टार्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 हीट करते करते 40 से काम पहुंच जाए 100, मान लीजिए कितना बढ़ा है टेम्परेचर, कंसीडर करते हम 60 डिग्री बढ़ा दें, यानी ये जो 60 डिग्री हो गया, इस कंडीशन पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस समय कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं, इसलिए प्योर फॉर्म में, क्या है, प्योर फॉर्म।
और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। क्या बता देंगे, नॉट कब रिप्रेजेंट करना है, जब वो प्योर कंपोनेंट होगा, क्या होगा, प्योर कंपोनेंट। यानी इट रिप्रेजेंट द हाउ मच एनर्जी इट रिक्वायर्ड टू 60। तो व्हाट इज 60, कंसीडर करते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और वही टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं। पर ये सिर्फ प्योर लिक्विड का हो गया, मतलब 60 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन ऑफ लिक्विड ए। हम लोग जो लिक्विड ए कंसीडर किए उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बराबर करने के लिए हमको कितना टेम्परेचर देना पड़ा, 60। यानी टी नॉट बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 60 डिग्री, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग। कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सच टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो किसी को दिक्कत नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है सेकेंड, और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग। अब ये जो वर्ड एलिवेशन है ना, इसका मतलब ये होता है इंक्रीज। जैसे हम लोग कुछ सवाल करना चाहिए अपने आप से अगर साइंस पढ़ते हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कब, जब हम लोग साइंस का अगर पढ़ रहे हैं तो साइंस के लिए कुछ खोपड़ी चलते रहना चाहिए। देखिए होंगे मार्केट वर्केट में जब कभी अंडा उंडा को बॉयल करता है तो पहले नमक डाल देता है, क्यों, ऐसा नहीं कि नमक डाल के बॉयल करेगा तो अंडा नमकीन निकलेगा बाहर, ऐसा नहीं हो सकता, वो जल्दी बॉइल कर जाता है। क्यों जल्दी बॉइल कर जाता है, कभी हम लोग थिंकिंग की नहीं सर बस खाएं दबा करके जो नॉन वेजिटेरियन करते हैं, तो वैसे ही इट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे इंक्रीज करते, क्यों जल्दी वो बॉइल करके तैयार। घर में देखे होंगे जब दाल वाल बनाया जाता है तो पहले उसमें नमक हल्दी सब डाल देता है, क्यों डालते, क्योंकि उससे वो जल्दी बॉइल हो जाता है। तो व्हाई शुड इट बॉइल फास्टर, आखिर क्या रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 100 है बिना नमक डाले अगर हम बॉईल करते हैं तो आधा घंटा लगता है, नमक डाल के बॉईल करते हैं तो 20 मिनट लगेगा, क्यों। वही सब क्वेश्चंस को ना ढूंढने साइंटिस्ट भी स्टार्ट किया कि व्हाई शुड द बॉइलिंग पॉइंट कैन इंक्रीजेस, एलिवेशन का मतलब ही होता है इंक्रीज, पर कब इंक्रीज करेगा, जब हम लोग कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, क्या डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट। अब जैसे देखेंगे सपोज हम लोग ये मान के चले थे कि प्योर कंपोनेंट है जिसको जब हीटिंग किए हम लोग, मान लेते हैं कि ये बर्नर से हीटिंग कर रहे, तब देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट कब इक्वल हुआ, जब हम 60 डिग्री टेम्परेचर दिए, कितना दिए 60 डिग्री। हम क्या करते हैं इसी लिक्विड में ना बाहर से और शुगर मिला देते, चीनी 2 ग्राम, मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल को हम लोग मिला देते। अब जब ये 2 मॉलिक्यूल जाकर के मिक्स करेगा ये वाटर में तो एक का तो सब मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा। अब ये जो कुछ मॉलिक्यूल है एक को हटा करके इसके जगह पे बी आ गया, मान लेते हैं कि 2 मॉलिक्यूल को हटाया, अब ए का मॉलिक्यूल सरफेस पे कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6, बाकी तो 2 तो बी का, इसका मतलब ये तो स्केप नहीं करेगा, क्यों, क्या सकता है, इट इज द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एस्केप, तो जब ये एस्केप ही नहीं करेगा तो प्रेशर कैसे लगेगा। यानी अब कितना मॉलिक्यूल बचा जो एस्केप करेगा, तो ए का कितना मॉलिक्यूल चेक करिए, यानी 5 × 6 = 30, यानी वेपर प्रेशर जो है वो 40 से घट करके कितना हो गया, कितना हो गया 30, यानी ये जो 40 था इंक्रीज करके कितना हो गया 30। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 100, यानी जाना हमको कहां तक है 100 तक, तो क्या 60 डिग्री देंगे तो बराबर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं, कितना देना पड़ेगा। अब 30 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 30 से स्टार्ट किए धीरे 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 70 डिग्री देना, और ये जो 70 डिग्री हम लोग देख रहे हैं इट इज द टीबी, टीबी का मतलब ही नहीं कि घर वाला टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नॉट नहीं लगा, क्या नहीं लगा, नॉट, यानी पहले जो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 60,
अब जब हम सॉल्यूशन बना लिए चीनी मिला के तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 70। क्यों? यानी 60 से 70 हमको कितना डिग्री ज्यादा एनर्जी देना पड़ा? 10 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस फ्रॉम द 40 टू 30। का वेपर प्रेशर घट गया, कितना से घट गया? 40 से डिक्रीज करके कितना है? 30 है। जाना आपको कहां तक? 100 है। तो जब हम 40 से स्टार्ट करके 100 जाते हैं तो 60 डिग्री देना पड़ता है, लेकिन जब 30 से स्टार्ट करके 100 जाएंगे तो वी मस्ट हैव टू प्रोवाइड द मोर एनर्जी। और ये जितना एनर्जी इसको ज्यादा हमको देना पड़ा उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? It is the total amount of greater energy required to become equal with the atmospheric pressure. जिसका अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो मैथमेटिकल लिख सकते हैं। कैसे? कितना डिग्री बढ़ गया टेम्परेचर चेक करिए तो हम लिख सकते हैं 70 - 6। और ये 70 क्या है? देखिए फिगर टीबी क्या है? टीबी यानी टीबी माइनस टी नॉट बी, किसी को बोलते हैं डेल्टा। यानी अगर बहुत सिंपल टेम्परेचर लिखना है तो जो हाइयर टेम्परेचर था उससे लोअर टेम्परेचर को घटा दी। हाइयर टेम्परेचर क्या था? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लोअर टेम्परेचर क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर कुछ नहीं आता है तो आराम से डेफिनेशन लिख कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Such difference is known as elevation, या increase in boiling point। पर कब? जब हम non-volatile solute को dissolve करते हैं। कब? जब हम इस चीनी को dissolve किए इसमें तब ये vapor pressure decrease हुआ। और अगर vapor pressure decrease हुआ तब ये boiling point क्या हो गया? Increase कर गया। जैसे imagine करते हैं कि दो बंदा A और B bike से race लगा रहे हैं। सपोज करिए दोनों को 100 किलोमीटर ट्रैवल कर, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम स्पीड से चल रहा है दोनों। अचानक बी को ब्रेक लगा दिया थोड़ा देर के, तो ये तो स्पीड बढ़ाते रहे। सेम मान लीजिए कि 50 किलोमीटर पर आ, दोनों सेम स्पीड से, ये भी 50 ये भी 50। लेकिन अचानक सपोज करिए बी का बैलेंस बिगड़ गया, ये रुक गया थोड़ा देर, तो क्या सेम स्पीड से चलेगा? तो कवर कर लेगा। ये क्या करना होगा? अब स्पीड क्या करना होगा? ये जो 50 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा था ये तो चलते, अभी हम बोलिए सर वो बेस्ट फ्रेंड अभी रुक जाएगा, ऐसा नहीं। एक कंटिन्यूअस चल रहा है। बी क्या है कि मान लीजिए अनबैलेंस हो गया या कुछ भी हो गया, ये थोड़ा देर के लिए रुक गया। अब जैसे ही ये रुक गया तो ये तो आगे निकल गया, ये यहीं का यहीं का। अब इसको बी को ए को कवर करना है, कब? सेम टाइम पे इसको दोनों को पहुंचना। तो क्या होगा? क्या दोनों का स्पीड सेम रहेगा? तब बी को क्या करना पड़ेगा? जिस स्पीड से पहले रन कर रहा था उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी इंक्रीज करना। तो ये जितना इंक्रीज कर रहा है ना वही नाम पड़ता है यहाँ पे क्या? एलिवेशन। क्या? एलिवेशन। मतलब पहले हम इसको 60 डिग्री टेम्परेचर तो दे ही रहे थे बॉइलिंग पॉइंट, और अब कितना दे रहे? 70। तो कितना बढ़ गया? 60 से सिर्फ कितना बढ़ा? 70, यानी 10 डिग्री। सिर्फ कितना बढ़ा? 10। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? जब कुछ नहीं है एकदम सिंपल लिखना है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसी का एक ना कंसेप्चुअल डेफिनेशन, जैसे ये तो मैथमेटिकल हो गया, कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है? कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी प्योर सॉल्वेंट में एड करेंगे तो इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। दैट डिक्रीज वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू बिकम इक्वल विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर जो घट गया, दैट डिक्रीज वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू बिकम इक्वल विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सच रिक्वायर्ड मोर एनर्जी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉडी।
पहले से जो हमको चाहिए वो एलिवेशन नहीं कर रहा, कितना बढ़ गया। जैसे 60 से जब स्टार्ट करके 100 गया तो 40 से स्टार्ट करके जब 100 गया हम 60 तो दे ही रहे थे, लेकिन अब हमको कहां से स्टार्ट करना है, 30 से, और जाना कहां है, यदि अब हमको कितना देना पड़ रहा है 70, 60 के रेस्पेक्ट से हमको 70 देना पड़ रहा है, तो कितना ज्यादा देना पड़ा, 10, कितना 10, वही 10 हम लोग यहाँ पे नाम रखते हैं। क्या ये एग्जाम्पल था, ये नहीं कि इसको समझ लेना है कि यही मेन, इट इज ऑनली जस्ट एग्जाम्पल, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है उसको सब्सट्रैक्ट करना है किससे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्ट, और इसी का नाम कर लिया एलिवेशन। तो कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, why boiling point of solution is greater than from the boiling point of pure salt, क्यों greater, तो answer लेना है कि on dissolving the solute the vapor pressure of pure solvent is decreases, that decrease in vapor pressure always required more energy to becomes equal with the atmospheric pressure, therefore its boiling point is decreased। तब में क्वेश्चंस आता है कि why boiling point of water is always increases on dissolving sugar या NaCl, या इसी का सेकेंड पैटर्न में दे सकता है कि why salt solution और sugar solution have higher boiling point than water, क्यों, तो because on dissolving solute its vapor pressure is decreases, therefore it required more energy to becomes equal with the atmospheric pressure, क्योंकि जब तक वो atmospheric pressure के बराबर नहीं होगा तब तक वो vapor में form ही नहीं करेगा, और इसलिए हम लोग को किसके बराबर करना है, हमेशा atmospheric pressure। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग अंडा को boil करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं ताकि जल्दी बॉयल, ऐसे अगर हम नमक नहीं मिलाएंगे विदाउट नमक ये प्योर वाटर जब होगा तो उस कंडीशन पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, लेकिन जैसे ही हम इसमें NaCl अगर मिक्स कर देते हैं तब इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 से 130, यानी जो ये एक घंटा टाइम या आधा घंटा टाइम लगता बॉयल होने में हाफ एन आवर ये 20 मिनट में हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आलू बॉयल करते हैं तो नमक नहीं डालते, सर आलू जल्दी बॉइल करना है नमक के लिए, तो अंडा के ऊपर ना हम लोग सबको पता है एग के ऊपर एक सेल होता है हार्ड सेल, इसमें सॉल्ट का पार्टिकल इंटर नहीं करेगा, कभी इंटर नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज ए हार्ड सेल होता है जो कैल्शियम का बना है, लेकिन आलू में ऐसा हार्ड सेल, ये पोटैटो अगर लेंगे जिसमें ऐसा हार्ड सेल नहीं होगा, पता चला ये नमक पहले से इंटर कर जाएगा और आलू बॉइल होने के बाद चोखा बन के पहले तैयार, इसलिए हम लोग चावल बॉयल करते हैं तो नमक नहीं डालते नहीं तो मार बात तैयार है, तो ये ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग को जरूरत पड़ता है ये सब क्वेश्चंस आएगा कि व्हाई बिकम मच फास्टर, हम लोग क्यों फास्टर कर सकते हैं बॉइलिंग प्रोसेस को ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूट, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है इंक्रीज। इसी से रिलेटेड ना कुछ कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा समझना है, जो इससे थोड़ा हट कर थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिटिल बिट, जैसे हम लोग ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रखें कितना 100, अगर इमेजिन करिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई घटा ले तो क्या होगा, तब ये जो 40 है उसको 100 तो जाना नहीं पड़ेगा, मान लीजिए अगर एटमॉस्फेरिक घट करके 80 हो जाता तो 40 को तो अब 80 तक ही जाना पड़ता, ऊपर तो जाना है, तब में क्वेश्चन आता है कि हिल स्टेशन पे ना खाना जल्दी नहीं बनता है, क्यों, why pressure cooker can cook the food faster, why cooking food is become very difficult in the hill stations, क्योंकि जैसे हम hill station से पहुंचते हैं वहां का atmospheric pressure कम हो जाता है, और अगर atmospheric pressure कम हो गया तो boiling point भी water का क्या होता है कम, अगर boiling point कम हो गया that means the food particle get less energy, तो जो खाना पहले एक घंटा में बनता था अब वो डेढ़ घंटा में, और वही चीज प्रेशर कुकर में क्या होता है कुकिंग टाइम घट जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है कि अंदर का जो एक्वा जैसे हम क्लोज कंटेनर कर दिए
तो बाहर का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 है तो अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 140, और अगर ये 40 डिग्री से 140 जा रहा है जिसको 68 डिग्री एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, 100 डिग्री यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज। इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 130 से 140 होता है, इसलिए दैट कैन बी हेल्प टू कुकिंग द फूड फास्ट। इसलिए कोई भी खाना को क्या करता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा करके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है जिससे खाना जल्दी बन जाता है। और वही हिल स्टेशन जब जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही घट गया, हम 100 ही रहा, घट करके मान लीजिए 80 हो गया या 60 हो गया, अब हमको 40 से उतना जाना ही कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है, अगर ये बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और अगर ये घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर कोई भी क्लोज कंटेनर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कोई भी लिक्विड का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू एयर का एटमॉस्फेयर। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 से बढ़ के 130 140, so it help to cook the food easily। लेकिन वही जब हिल स्टेशन में चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा कम। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन में बहुत आता है। तो हम लोग को अब इस पे फोकस करना है कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो अब बताए इट इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल। ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज है, पर कब, जब हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व। तब क्वेश्चन आएगा कि इट इज द इंक्रीज इन, अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो डीवी माइनस टी नॉट डी, व्हाट इज डीवी, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और व्हाट इज टी नॉट डी, तो इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तब देखिए इससे का दूसरा टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा टीवी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बाकी इसका जो नोट्स है या डेफिनेशन है वो सब पीडीएफ फॉर्म में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ज्यादा, क्योंकि समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे लिखने का तो हम डेफिनेशन यहां बताएंगे, वैसे डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि डेल्टा टीवी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस निकालता है, तो थोड़ा समझिए अभी ये सब डालते हैं। जैसे इसमें ना हम 2 ग्राम और सुगर डिसॉल्व करते हैं, अब जैसे ही 2 ग्राम और डिसॉल्व के लिए क्या हो गया कि दो जगह और चेंज किया, अब ए मॉलिक्यूल कितना बचा सरफेस, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यानी वेपर प्रेशर तो और घट गया 5 × 20, पहले 40 था, 30 कितना, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ना कोरिलेट है किससे, वेपर प्रेशर से। जैसे पहले स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कितना था 40, तो 40 को 100 यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर करने के हमको कितना एनर्जी देना पड़ सकता है। फिर जैसे हम सुगर मिला वेपर प्रेशर घट के कितना हो गया 30, कब, जब 2 ग्राम मिला, लेकिन हमको 30 का जो वेपर प्रेशर उसको भी बराबर करना है, किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना है, यानी हमको कितना एनर्जी देना पड़ा 70, यानी 60 से बढ़ करके बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 70। फर्दर हम लोग सुगर को डिसॉल्व किए, फिर देखिए वेपर प्रेशर घटेगा, और जैसे ही वेपर प्रेशर घटा, व्हेनेवर द वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस, तब क्या ऑब्जर्वेशन किया कि अब कितना बच गया 20, लेकिन इसको भी जाना है कहां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बढ़ना है, अब इसको भी बराबर करने के लिए हमको कितना एनर्जी देना पड़ा 80, कितना देना पड़ा, यानी जैसे जैसे हम सुगर को डिसॉल्व करते गए वेपर प्रेशर घटते चला गया, और वेपर प्रेशर जितना घटते चला गया उतना हमको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ाना पड़ा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे उतना हमको ज्यादा एनर्जी एक्सपर्ट लगाना पड़ेगा,
तो वेपर प्रेशर किसके चलते डिक्रीज हुआ, खुद के चलते नहीं, किसके चलते? तो ये सुगर के चलते। जितना सुगर पार्टिकल को हम डिसॉल्व करते चले गए उतना वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज करते गए, और जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करते गए उतना हमको ज्यादा एनर्जी फॉर्मूला। अब जस्ट इससे कोरिलेट करके समझते हैं क्या कि ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको डेल्टा टी वी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इसको डेल्टा, और ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किससे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली कोरिलेट है किससे, तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उतना ही ज्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही। और वेपर प्रेशर जो डिक्रीज कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। जितना ज्यादा हम सॉल्यूट देंगे किसमें, सॉल्वेंट में, उतना ज्यादा क्या होगा वेपर प्रेशर। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज। तब ना एक्सपेरिमेंटली इसको मेजरमेंट किया, तब एक डिस्कशन जब मेजरमेंट हो गया तब एक फाइनली रिजल्ट निकाला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी केजी में, और हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर मास ऑफ सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं तो उसको मोलैरिटी बोलते हैं। क्या मोलैरिटी, यानी क्या देख सकते हैं, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये आ रहा था उसे। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मोलैरिटी स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी। अब प्रॉब्लम है कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, तो जब हम लोग पढ़े थे कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे कांस्टेंट बैठाते के, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब अगर हम के बैठाएंगे तो कैसे कंफर्म करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, हाउ कैन यू कंफर्म इट इज द कांस्टेंट ऑफ ए बॉइलिंग। तब ना साइंटिस्ट एक छोटा सा अटका हुआ बोला बॉइलिंग पॉइंट है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केबी दे देते हैं, क्या केबी, ये टर्म्स आ गया। तो व्हाट इज केबी, अब केबी बोले तो ये नहीं कि काजू बर्फी है, केबी का मतलब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि मोलैरिटी से लेना है तो इट इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक साइंटिफिक नेम भी है, क्या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए डिटरमिनेशन में हम लोग क्या पढ़े, तो एक्सपेरिमेंटली क्या आया, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी का किसका, मोलैरिटी का, जो भी हम लोग एक्सप्लेन किए। अब इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन के कांस्टेंट बैठाते हैं के, और बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवी इनटू एम। यानी व्हाट इज इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट, इसका कुछ नाम है पर्टिकुलर नाम, जैसे डेल्टा टीबी क्या है, व्हाट इज डेल्टा टीबी, तो इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज एम, स्मॉल एम क्या है, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे जब हम केबी लेंगे तो केबी का नाम क्या रखा गया, मोलल, क्योंकि मोलैरिटी से इसलिए मोलल, इलिवेशन कांस्टेंट, और ये जो मोलल इलिवेशन कांस्टेंट है इसी का दूसरा नाम है इब्लियो स्कोपिक कांस्टेंट, बस चाइनीज है याद रखना बस, कि व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को ही कहते हैं क्या, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कभी कभी एग्जाम में ना केबी का डेफिनेशन पूछते हैं कि डिफाइन
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट इज केबी? कोई भी याद रखे, जब पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है, एक ट्रिक है जो हमेशा याद रखना है, वो सब में काम करता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब। जैसे अगर हमको इस कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो इसको ना LHS के बराबर करना है। कब होगा ये बराबर? जब ये इसके साथ जितना भी टर्म है उसको हम वन मान लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? वन। अगर हम इफ m इज इक्वल टू वन ले, तब हम लिख सकते kb इज इक्वल टू डेल्टा db। यही है इसका डेफिनेशन। व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? तो इट इज द इंक्रीज और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोलर सॉल्यूट। ये वन मोलर, थोड़ा सा और जोड़ लगाइए, ये सब साइंस मतलब क्या, दिमाग का खेल। वन मोलर कब हो सकता है? जब वन मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं 1 kg सॉल्वेंट। अब इसी को पूरा इज्जत से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, होगी डेफिनेशन रटना भी नहीं पड़ेगा। व्हाट इज केबी? इट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एंड हाउ कैन यू डिफाइन केबी? इट इज ए कांस्टेंट दैट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। यानी जब 1 mole सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, उस समय जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए, जितना इंक्रीज करें, 1 degree, 2 degree, 4 degree, 0.1 degree, दैट इज कॉल्ड द केबी। क्या बोलते हैं उसको? केबी। अब इसी को हम लोग डिफाइन में लिख भी सकते हैं, इट इज ए कॉन्स्टेंट दैट इक्वल टू इलिवेशन या इंक्रीज इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। सच एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड केबी। उस समय जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड केबी। यानी सच एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड केबी। केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखिए, कोई भी चीज का जब नया क्वांटिटी हो ना, उसके लिए तीन चीज हमेशा पढ़ना है। पहला तो उसका डेफिनेशन, दूसरा उसका यूनिट, और तीसरा वो डिपेंड किस चीज पे करता है, जो कंपटीशन हम लोग पूछता है। जैसे फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़े, सेकंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, केबी का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट निकालना है, रटना नहीं। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाय एम। दे चेंज इन टेंपरेचर का यूनिट क्या आएगा, केल्विन पर ये मोलैरिटी, यानी हम लिख सकते हैं केल्विन पर मोलैरिटी, या इसी मोलैरिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, तो केल्विन मोलैरिटी का क्या होता है, मोल पर केजी, यानी हम क्या हो गया, केल्विन केजी पर। यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, तो आइदर हम क्या लिख सकते हैं, केल्विन पर मोलैरिटी या केल्विन केजी पर मोल। क्या? केल्विन केजी पर। और इसका जो वैल्यू है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, कोई तो फैक्टर होगा जिस पे उसका वैल्यू डिपेंड करता हो, तो किस पे? सबसे फर्स्ट में याद रखना है कि केबी किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का नेचर क्या कैसा है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तो LB, इट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram ऑफ लिक्विड इनटू देयर वेपर फॉर्म। मतलब
एक ग्राम लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, यानी एक ग्राम यूनिट मास, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे डेल्टा वी ए पी एच, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और व्हाट इज एंथैल्पी और लैटेंट में फर्क क्या है? तो ये जब भी निकालते एक मोल के लिए और ये जब भी निकालते एक ग्राम के, जैसे अगर हम वाटर का बात करें एक ग्राम का निकाले तो इट इज कॉल्ड द एलबी, लेकिन 18 ग्राम का जब निकाले तो इट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यानी हम लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर हमको लैटेंट हीट के टर्म में जाना है तो कैसे निकलेगा, तो ब्रेन में बैठा लीजिए एलबी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मोलर मास। जैसे जब हमको 18 ग्राम का पता चल गया कि मान लीजिए 400 जूल है, 1 ग्राम का नहीं निकाल सकते, 18 से डिवाइड। तो ये टर्म्स है जिस पे केवी डिपेंड करता है, इसलिए केवी का वैल्यू हर लिक्विड के लिए अलग अलग, एवरी डिफरेंट लिक्विड हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ केवी। इसलिए केवी किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर का मतलब क्या होता है, क्या बताया इस चैप्टर में नेचर का एक मीनिंग, नेचर का मतलब है ये जो मॉलिक्यूल्स है ना लिक्विड का, इसके बीच में इंट्रैक्शन कितना है, आपस में लगाव कितना है, कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा एनर्जी भी आपको उतना ज्यादा देगा, और जितना बॉन्ड वीक होगा एनर्जी भी क्या कम है। जैसे दोस्ती जितना गहरा है उसको खर्चा भी उतना ज्यादा करते हैं, ये पार्टी देते हैं या खाते भी है खिलाते भी है, लेकिन अगर किसी से कम दोस्ती है तो एक ही समोसा से काम खत्म हो जाता है। तो वैसे यहां समझना है कि यहां नेचर का मतलब होता है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। देखिए केवी का ना एक्सपेरिमेंटली हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड के लिए, देख फॉर्मूला दिया गया है, क्या तो आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एलवी इंटू 1000, क्योंकि केवी हमेशा पर 1000 ग्राम ही निकालते। अगर 100 दिया होगा तो उसको फिर 10 से डिवाइड करना है, यानी जब भी निकालना है केवी पर 1000 ग्राम, यानी नीचे कितना होना चाहिए तो पर एकदम 1000 ग्राम। तो व्हाट इज केवी का वैल्यू, हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला, आर, आर इज ए गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेना है तो जूल में होता है 8.314। व्हाट इज टी नॉट बी, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। व्हाट इज एलवी, इट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू देयर वेपर फॉर्म। 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड कभी कभी लैटेंट नहीं देगा, उसके जगह एंथैल्पी दे देगा, तब ये वैल्यू हम वहां पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, केवी इज इक्वल टू R into T not B का whole square into M solvent molar mass of solvent divided by enthalpy of vaporization into 1000। यही दो फॉर्मूला है जो ना 12 के एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में बहुत कम होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत होता है कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से KV का वैल्यू अगर कभी कभी निकालने पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाना है, R into T not B का whole square LB into 1000, या KV is equal to R into T not B का square M solvent divided by delta VAB enthalpy of vaporization into 1000। यानी KV एकदम ब्रेन में बैठा लेना है कि ये एकदम नोट करके सबको कि KV हमेशा पर 1000 ग्राम का ही लेना है, यानी कुछ भी दिया होगा वी मस्ट हैव टू कम इन द पर 1000 ग्राम, किसमें पर 1000 ग्राम। वाटर के लिए केवी कितना होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कभी कभी नहीं मिलेगा, कि वाटर के लिए जब कैलकुलेट किया गया तो वैल्यू आया 0.518 केल्विन केजी पर मोल, या 0.52 लेते हैं हम लोग केल्विन केजी पर मोल, ये फिक्स है कॉन्स्टेंट याद रखना। व्हाट इज द केवी ऑफ H2O, तो कितना होगा H2O के लिए वैल्यू,
तो ब्रेन में रखना है कि या तो एग्जैक्ट कितना होता है 0.518, जो हम लोग राउंड ऑफ करके कितना ले सकते हैं 0.52 केल्विन केजी पर। तो यही था डिटर्मिनेशन। अब इसका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी, किसके लिए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब ग्राफ हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का समझना है तो कुछ हम लोग टूल्स बात बता करते हैं। जैसे एक जो ये कॉलम, इसमें हम लोग वेपर प्रेशर ले लिए, इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए 20 है तो 40, 60, 80, 100 ऐसे। और इधर ना टेम्परेचर का ये बात, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लिक्विड है, मान लेते प्योर सॉल्वेंट है 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे, कितना वेपर प्रेशर है, कितना 1.8। इस समय कोई नहीं मिला हुआ, सिर्फ ये प्योर सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर सपोज 60 डिग्री पे। लेकिन हम बताए थे कि इसको बॉइल करना है, कब बॉइल करें, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, किसी का भी हम लोग का भी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कि अच्छा जॉब हो जाए, सेटल्ड हो जाए, अच्छा सा घर खरीद ले सर, अच्छा गाड़ी खरीद ले, अच्छा वाइफ हो जाए बस। वैसे इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कि व्हेनेवर इट बॉइल द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और ये हम एटमोस्फेरिक प्रेशर का ही मान के चलिए, यानी इस ए का वेपर प्रेशर को बढ़ाना है, बढ़ा करके किसके बराबर करना है हमको 100। तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर ऐसे बढ़ा दें, चलोगे नहीं, हम सिर्फ क्या बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते 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 ये पॉइंट टच किया, और ये जो पॉइंट टच किया बी ना, इसका हम लोग परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर लेते, और ये जो टेम्परेचर आएगा, इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं टी नॉट बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सच किस टेम्परेचर पे बराबर हुआ, तो इस टेम्परेचर पे इट इज कॉल्ड टी नॉट बी। व्हाट इज टी नॉट बी? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्योर वाटर है, प्योर मिल्क है या प्योर अल्कोहल है, इसमें ना सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते, चीनी डिसॉल्व, ग्लूकोज डिसॉल्व करते, यूरिया डिसॉल्व, और हम क्या बताए थे कि व्हेन द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जैसे हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, इसका वेपर प्रेशर घटेगा, मान लेते हैं घट करके, हाँ इसको बोलेंगे सी, क्या सी। अब whenever it reach the C point, यानी temperature तो same है, लेकिन पहुंचना कहां हम लोग को, फिर atmospheric pressure के पास, फिर हम temperature बढ़ाना start किए, धीरे धीरे temperature बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 touch करेंगे इस point को, बोलते हैं D, यहां से perpendicular draw करेंगे, मतलब ये पता करेंगे कौन सा temperature है जिसपे ये touch कर रहा है atmospheric pressure को, पता चला ये टेम्परेचर क्या है, टीबी, तो अब टीबी का मतलब ये नहीं कि घर वाला टीबी, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो पॉइंट आ गया सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग ने इसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, और व्हेन यू डिसॉल्व द सॉल्यूट दैट सॉल्वेंट्स बिकम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम, किससे, प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल ऑलवेज ऑक्यूपाई द सम सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस, और ये जो वेपर प्रेशर है इसको हमको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करें, बढ़ाते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, देयर इज अ टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम रख दिए, डी, और इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बॉइल, यानी पहले जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है वो कितना है, टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, टी बी, यानी इससे ये ज्यादा है, जिसके हम लिख सकते हैं कि टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, और अगर TB is greater than T not B, तो ये जो difference आएगा दोनों, जिसको हम लोग बोलते हैं delta TB, कैसे निकालेंगे difference, तो TB minus T not B,
और इसी को हम लोग बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग। और ये जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये अंपेयर दूर पे नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर पे, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को। और ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ वो किसके चलते, तो ये किसके चलते डिक्रीज हो गया, सॉल्यूट के चलते। यानी हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसी को बोल देते हैं मोलैरिटी। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि व्हाट प्योर सॉल्वेंट से जब निकाले टेम्परेचर तो दैट विल गिव द पॉइंट बी, और ये ए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन व्हेन यू डिसॉल्व द सॉल्यूट दैट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस एंड बिकम्स सी। लेकिन जाना कहां है, तो हमको एटमोस्फेरिक प्रेशर तक, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा है और बिकम्स इक्वल टू दैट, यानी सीडी पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर आ गया किससे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी टीबी ग्रेटर देन टी नॉट। तो हम लोग बड़ा से छोटा को घटा देते हैं, तब आ जाएगा डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला पढ़ें, जब हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बनाना है तो सोचना होगा कि इसके लिए हमको कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ज्यादा कुछ फॉर्मूला में है नहीं, पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, TB minus T naught. What is TB? Boiling point of solution. What is T naught B? Boiling point of pure solvent. अब देखिए सेकेंड जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किए थे, डेल्टा TB is equal to KB into molarity. यानी डेल्टा TB किसके इक्वल है, तो KB into small m. अब हम KB का वैल्यू तब बताए क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसका ऑलरेडी डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, वाटर को खाली हम लोग को याद रखना, नहीं तो बाकी सब तक दिए ही रहे। और व्हाट इज m, m क्या होता है, मोलैरिटी, जो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो ऊपर हमको 1000 पुट करना है, एकदम रिमेंबर है। बस यही तीन फॉर्मूला, इसी में जितना तिकड़ी लगा करके न्यूमेरिकल बनाना है। अब देखिए थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि डेल्टा टीबी क्या है, व्हाट इज डेल्टा टीबी, इट इज इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और व्हाट इज टीबी, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिक्स। और वॉट इज टी नॉट बी, तो टी नॉट बी ना फिक्स होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जब वो अकेले होता है। और वॉट इज के बी, के बी तो हम पहले ही बता चुके हैं, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्या इब्लियोस्कोपिक। ये टर्म्स आप लोग को कुछ कुछ याद रखने वाला भी टर्म्स है, जैसे जो नोट करके हम लोग को याद है कि वो कभी नहीं बदल सकते। जैसे वाटर के लिए टी नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। वैसे वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना बताया, 0.518 या 0.52 केल्विन केजी पर मोल, अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा तो यही लिखना होगा, बाकी अनदर लिक्विड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन वाटर के लिए इतना ही। अब ना यहां एक और प्रॉब्लम सामने है जो थोड़ा सा समझना है मैं, कि जब जो हम लोग थर्मोडायनेमिक में पढ़े थे, जब जब डेल्टा टी का बात हो ना, तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन का,
मतलब अगर दिया रहे कि 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ करके 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, हम लोग डिग्री सेल्सियस में न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, जब बनाएंगे केल्विन। तो आप बताए थे कि डेल्टा टी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 15 से 10 घटाएंगे इट इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करता है, इसको केल्विन में लाने के लिए 273 सब ऐड कर देता है, और व्हेन यू ऐड द 273 यू कैन सबट्रैक्ट योर मार्क्स। जैसे ही 273 ऐड किया समझ जाना नंबर घटा लेंगे, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इस समय ना 5 डिग्री बराबर मतलब 5 केल्विन। यही याद रखना है कि इन द टर्म ऑफ डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस मस्ट इक्वल टू द केल्विन। इस समय सब यूनिट एकदम सेम, जैसे अगर हम 15 डिग्री सेल्सियस लिए और 15 केल्विन डिग्री 10 डिग्री लिए तो 5 डिग्री आ गया। हमको इसको नहीं केल्विन बदलना, इस दोनों को केल्विन में बदलेंगे। जैसे 15 को केल्विन में बदलेंगे 273 ऐड करके 288, वैसे 10 को बदलेंगे 283 केल्विन, 288 को 283 से माइनस करेंगे फिर कितना आ जाएगा 5 केल्विन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि टर्म ऑफ डेल्टा टी, डेल्टा टी के टर्म में अगर सिर्फ टी होता तो फिर हम चेंज करते हैं, टी रहेगा तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिखेंगे तब केल्विन होगा। लेकिन इन टर्म ऑफ द डेल्टा टी, जब जब डेल्टा टी आएगा तब तब डिग्री सेल्सियस केल्विन एकदम सेम, यानी इस समय जितना केल्विन होगा उतना ही डिग्री सेल्सियस, और जितना डिग्री सेल्सियस उतना ही केल्विन, चाहे वो किसी का न्यूमेरिकल हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे आगे कभी भी डेल्टा टी आ जाए तो डेल्टा टी के टर्म में रेस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो यूनिट का वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड वो एकदम सेम। अब इससे नहीं क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं। ये तो बुद्रू वाला बात है, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, देयरफॉर m सॉल्यूट को इधर कर देते, जब सब वैल्यू दिया ही रहेगा तो पुट करना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा tv इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में। ये तो ये ना फार्मूला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आज जो भी हम लोग पढ़े एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट आप घर में उसको बैठ करके पढ़ी और ऑब्जर्वेशन करें, और इसका जो नोट्स है वो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप में भी डाल देंगे, और व्हाट्सएप पे जिसको चाहिए उसको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। इससे बढ़िया से बैठ करके एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, और जो चीज नहीं समझ में आता उसको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट, आप लोग कमेंट करते हैं हमको भी एनर्जी मिलता है, और इससे पता चलता है कि आपने वीडियो लेक्चर को पूरा देखा है, और जिससे हम लोग को एनर्जी और उत्साह मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छे ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा हम लोग वीडियो बना सकते, ताकि लेक्चर बनाए जिससे आप घर में बैठ करके आराम से पढ़ सकते। और जो हम लोग नेक्स्ट डे ना इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको करके आना है, जो है एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इससे हमको फायदा क्या। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले इसका न्यूमेरिकल बनाना है, तब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के लिए थैंक यू।